शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की लोग पूजा कर रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। उनके नाम में ही कई प्रकार की शक्तियां हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। आशय यह है कि तप का आचरण करने वाली शक्ति मां ब्रह्मचारिणी है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इनकी पूजा करता है उसे तप, त्याग, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में लगकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। तो मंदिर गुलजार हैं और लोग भक्तिभाव में डूबे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, मंदिरों में बड़ी संख्या में सुबह से ही पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और नवरात्र के 9 दिन लोग पूजा अर्चना भी करते हैं, साथ ही जल चढ़ाने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं। तो माता रानी के जयकारों से जो पूरा मंदिर परिसर है वो गुंजायमान है। और ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग मंदिरों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि वैष्णो देवी मंदिर हो या फिर उत्तराखंड के मंदिर या फिर वाराणसी, हर जगह हर मंदिर आज भक्तों से गुलजार नजर आ रहा है और विशेष साज सज्जा भी की जाती है नवरात्रों के मौके पर। और ऐसे में खास इंतज़ाम प्रशासन की तरफ से भी रहते हैं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह की ही ये तस्वीरें हैं जहाँ पर नवरात्र में माँ की 9 रूपों की पूजा की जाती है और हर दिन एक अलग रूप में माँ को पूजा जाता है। और ऐसे में आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन दुर्गा माँ के ब्रह्मचारिणी रूप का होता है और ऐसे में ब्रह्मचारिणी देवी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है कन्नौज से, जहां पर कार सवार बदमाश पर हमला कर दिया गया है। कार सवार से 2 लाख रुपए लूटने का आरोप लगा है। पेट्रोल पंप पर डीजल के पैसे देने जा रहा था पीड़ित परिवहन विभाग में ठेकेदार है पीड़ित परिवहन डिपो के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर कार सवार बदमाश पर हमला किया गया। कार सवार से 2 लाख रुपए की लूटने का आरोप यहां पर लगा है। कार सवार से 2 लाख रुपए लूटे गए। पेट्रोल पंप पर डीजल के पैसे देने जा रहा था पीड़ित और परिवहन विभाग में ठेकेदार है पीड़ित। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, साथ ही सीसीटीवी कैमरास भी खंगाले जा रहे हैं। तो लूट से जुड़ा हुआ ये मामला है जहां पर 2 लाख रुपए लूटने का आरोप लगा है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ये अहम सुनवाई करेगी। ज्ञानवापी मामले में दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, जिसमें एक याचिका श्रृंगार गौरी मामले मेंटेनेबिलिटी का मामला है, दूसरा कमिश्नर की नियुक्ति और साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने इसको लेकर चुनौती भी दी है, तीसरा मामला वजू टैंक के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग वाली याचिका भी है जिसको लेकर भी सुनवाई होनी है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान, उनकी पत्नियों और बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। आजम खान परिवार ने यूपी में दर्ज अपने खिलाफ मुकदमों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसको लेकर आज सुनवाई होगी।
और एक बड़ी खबर मिल रही है रामपुर से, जहां पर लेखपाल समेत 14 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया गया। कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ है। थानागंज क्षेत्र का ये मामला है। खतौनी से नाम कटवाकर दूसरे का नाम दर्ज कराने का ये मामला है, जिसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके खिलाफ अब देखिए लेखपाल और साथी 14 लोगों पर अब FIR दर्ज कर ली है। तो धोखाधड़ी के आरोप में ये मामले दर्ज किए गए हैं। तो कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है केस। थानागंज क्षेत्र का ये मामला है। खतौनी से नाम कटवाकर दूसरे का नाम जुड़वाया गया था, जिसको लेकर जब शिकायत की गई तो कोर्ट ने आदेश दिए हैं और अब FIR दर्ज की गई है। आगरा के दयालबाग स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के ध्वस्तीकरण और सत्संगियों से पुलिस की झड़प मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से जुड़े सभी रिकॉर्ड पेश किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर दस्तावेज तलब किए थे और हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने को भी कहा था और 24 सितंबर को अतिक्रमण हटाने के दौरान में सत्संगियों से पुलिस की झड़प हो गई थी और झड़प में करीब 50 सत्संगी घायल हो गए थे। कई पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए थे। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।